किसी भी सामान्य नागरिक को अधिक से अधिक एक घंटा लगता है लाइन में लगता है और दर्शन करके बाहर आ जाता है। जो लोग सामान्य जन बनकर दर्शन करने जाते हैं उन्हें ही भगवान के दर्शन ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो लगभग 100 फीट दूर से भगवान के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं भारत और अगर आपके माध्यम से मेरी बात भारत के बाहर कहीं जा रही हो तो उन सबको निवेदन करूंगा कि सामान्य जन के रूप में रामलला के दर्शन करने की योजना बनाए। एक घंटे में प्रवेश द्वार से लेकर बाहर निकलने तक, फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट, बहुत ही सहजता से भगवान के दर्शन होंगे। कोई सुगम दर्शन, वीआईपी दर्शन, मैं निवेदन करूंगा दोनों प्रकार के दर्शनों से अपने को बचाओ। सुगम दर्शन, वीआईपी दर्शन के नाम पर अयोध्या में अनेक लोगों ने कुछ गैर कानूनी काम करने शुरू कर दिए हैं। मेरे सामने एक विदेश का नागरिक जो भगवान की कृपा से मेरा पुराना परिचित था, वो आकर खड़ा हो गया और कहता है मैं 2000 रुपये देकर दर्शन करके आया हूँ। अयोध्या में किसी भी मंदिर में कभी भी पैसा लेकर दर्शन करने की कोई परंपरा नहीं है। हनुमानगढ़ी में सदा सर्वदा लाखों लोग आते हैं, पैसा लेकर दर्शन नहीं होते। राम जन्मभूमि का मंदिर अभी कुल मिलाकर 2 महीने का है, लेकिन लोगों ने तरह तरह के रास्ते निकाल लिए। मैं समाज से निवेदन करता हूँ, किसी के भुलावे में, किसी के शब्दों में न फंसे। पैसा लेकर कोई दर्शन यहाँ नहीं होता। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई और किसी को ये अधिकार नहीं दिया। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसके लिए कोई टोली बनाकर जांच पड़ताल की। अगर कुछ लोग उनके ध्यान में आते हैं तो कानून के अनुसार उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा कृत्य यह आपराधिक कृत्य मैं मानता हूं भगवान के प्रति, और जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा 15-20 मिनट बचाने के लिए पैसा मत दीजिए। मेरे ध्यान में यह भी आया है कि आप 8 लोग हैं तो 500 रुपये प्रति व्यक्ति दे दीजिए और मैं दर्शन करा दूंगा। ऐसे किसी भी गलत काम में समाज न फंसे, ये मेरा निवेदन है। रामनवमी पर इतनी अधिक भीड़ होगी, इस भीड़ का दुरुपयोग अनेक लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे गलत कामों से बचाने का काम सबको करना चाहिए। और मैं भी बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, किसी को भी पैसा देकर दर्शन करने के भुलावे में नहीं आना चाहिए। धन्यवाद।